तो हम लोग अभी जा रहे हैं बस में। बस में हम लोग बैठे थे जसपुर से, उसके बाद अभी जा रहे हैं घर जाकर ला रहा है मेरे को। और भैया को देख बोलने बोल रहा था, इधर देखने के लिए बोल रहा था, और स्वैग वाला लुक दिख रहा है ना मस्त। तो सब लोग अभी पहुंच गए गाइस, देखो और बैग टांग के देखो, हरा बैग, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, इस तरह से हम लोग आए। बस वाला ज़्यादा दूर में रोक दे रहा था, लेकिन देखो ये लोग मैगी खा रहे हैं। देखो एकला एकला मैगी खा रहे हैं, मैं खा रहा हूँ भाई। अब मैं मैगी खाऊंगा गाइस, मजा आएगा खाने के लिए। बाल का सत्यानाश हो गया, बाल भी कटिंग कराने जाऊंगा कल, ताकि नहाऊंगा, अभी कुआं पे जाऊंगा, नहाऊंगा फिर सूतूंगा। देखो क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बनाया खा रहे हैं, पराठा पराठा सब बना खा रहे हैं। पानी सब तैयार रखो, पैर सब नहीं धो गए हैं। तो गाइस हम लोग अभी पहुँचे हैं, और मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, तो अभी मैं नहाने जा रहा हूँ। ये देखो लोहे दिख रहा है, ये देखो कपड़ा लत्ता लेके और फिर यहाँ बैठा है। बहुत दिन बाद, बहुत दिन नहीं, एक दिन के बाद देखा हूँ। है ना सिरू, कैसा लगा मिलके, है ना सिरू, बताओ। हेलो, है सूख रहा है, बस सूखने के लिए आता है, इसको और कुछ नहीं आता है। और इसको भी और क्लियर करना है, यानी कि साफ़ करना है जो बांस है ना उसको। अभी चलते हैं नहाने के लिए, पता नहीं पानी भी भरा होगा कि नहीं, या बाद में ना ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा, शाम हो जाएगा ना, तो ठंडा लगेगा ना, और उस शाम को नहीं नहाना चाहिए, बीमार होने का डर रहता है। अभी नहाने का मन तो कर रहा है, लेकिन ना एक प्रॉब्लम हो गया है। क्या प्रॉब्लम हुआ है बताऊँ आप लोग को, समझोगे कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, प्लस समझ गए होगी कि क्या प्रॉब्लम हुआ। नहाने आया हूँ तो एक प्रॉब्लम हो गया है, पंप जो है ना वो पानी नहीं दे रहा है यहाँ से। पंप चालू तो बस तो रहा है, लेकिन पानी नहीं फेंक रहा है, पाइप टूट गया है शायद। तो अभी इसको खींच खींच के भर के फिर नहाना पड़ेगा। वैसे मेरे को खींचना तो आता है, लेकिन अभी थोड़ा सा थकान लग रहा है ना, तो थोड़ा सा कोढ़िया लग रहा है पानी भरने के लिए। अभी जूता को भी धोना है, क्यों पानी इतना है, ज़्यादा तो नहीं है, ठीक ठाक है। भिंडी मस्त बड़ा बड़ा हो गया है, देखो वह देखो बड़े बड़े हो गए भिंडी। लीची देखो पूरा लाल हो गया है, दिख रहा है ना, लाल हो गया लीची, मस्त मीठा हो गया होगा अभी तक तो, ज़्यादा नहीं, एक ही दिन ही तो हुआ है। अब इसे मैंने डिक्ची में भरते हैं पानी, उसके बाद नहाता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो अब मैं पानी भर चुका हूँ, देखो इसमें भरा, इसमें भरा, देख ही लिए हो तुम लोग तो, पानी भर लिया। अभी डाइट क्या करना है, क्या करने के लिए पानी भरा हूँ याद तो पता था, तो नहाने के बाद पीता हूँ। पर एक मिनट, मेरे पॉकेट में कुछ है, हैं पैसे मिले, पॉकेट से पैसे मिले, कितने रुपए हैं, अरे बाबा इतना सारा पैसा, 20-30, ये 50-150, 180 रुपया, वाह पसीने से भींग गया, देखो तो पैंट भी पसीने हो गया है ना, पसीना पसीना गर्मी में, तो ये भी भींग गया, इसको रख देती यहीं पर। तो गाइस अभी नहा चुका हूँ, देखो मस्त लग रहा है, फ्रेश फ्रेश लग रहा है, जूता भी धो लिया, देखो एकदम चमका दिया, इतना रगड़ रगड़ के धोया है, अभी अभी पहन के आया था ना, अभी अभी गंदा हुआ था, तो जल्दी छूट गया किनारे का, लेकिन उतना ही व्हाइट नहीं दिख रहा, लेकिन चलेगा। नहा धोकर तैयार हो चुका हूँ, बस टी शर्ट को, टी शर्ट थोड़ा गर्म था तो फ्रिज में डाल दिया उसको, ताकि ठंडा हो। देखा दिमाग, दिमाग 2.5 किलो का दिमाग है मेरा, फ्रिज में डाल दिया हूँ। बाल बड़ा है लेकिन बढ़िया सेट हुआ है, सुबह भी ऐसे सेट हुआ था ना कि थोड़ा देर बाद ना पूरा बाल बिगड़ गया था, कल हेयर कट करा लूँगा। तो फ्रिज में ठंडा हो चुका है मेरा टी शर्ट, अब निकालता हूँ, मस्त ठंडा ठंडा लगेगा पहनने के लिए, लाइट बंद करते हैं। टी शर्ट एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है, एकदम एकदम मस्त लग रहा है, अब इसको पहन लेता हूँ, मस्त लग रहा है पहनने के लिए, हाँ ठंडा ठंडा लग रहा है, इतना गर्मी में ठंडा ठंडा टी शर्ट पहनने का मज़ा ही कुछ और है। हाँ ये स्टाइल नहीं था रे पहनने का, कोई बात नहीं, अगले बार ट्राई करेंगे। तो मैं नहा धोकर रेडी हो चुका हूँ, अब चलते हैं भैया उधर लीची तरफ जाके, भाभी से बात करें तो भैया के पास चलते हैं डायरेक्ट वहीं पे। यहाँ पे देखो लीची खा रहे हैं, मजा आ रहा है, मीठा मीठा है ना, लाइए तो गुस्सा गुस्सा, लाल 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 मीठा नहीं, अरे लाल लाल लीची है, मीठा है, इसको देखो कैसे खा रही है, मुंह से खा रही है एकदम। वही ड्राइवर क्या बोला था, कहाँ से बोल रहे हो, मुंह से बोल रहा हूँ, बोलता तो हम लीची खा रहे हैं, हम तो नहीं, मैं खा रहा हूँ, भैया आगे खा रहे हैं, मैं पीछे खा रहा हूँ।
एक लीची तोड़ के लाया हूँ, उसे खाऊंगा अभी। वो जो किनारे वाला पेड़ था ना जिसमें बहुत सारा लीची फला था लेकिन उसका तोड़े नहीं थे आज तक, वो वाला लीची भी मीठा हो चुका है। जिसको खाना है आ जाना। और इसको देखो, आज पहली बार ही कुआं से पानी भर रही है, नहीं तो पंप से ही भरती है, कभी घिसती नहीं है। हाँ झूठी, इसको तो देखो एकदम बादल से लगाई जैसे खत्म हो रहा होगा। वो लगाती है ऐसे तो, वो मोटा बिंदी वाली बाबू देखते इसके हाथ पे देख। इसका आँख को तो देखो, काजल एकदम गोर गोर से देखो इस लड़की को, इसने इतने इतना काजल लगाया, इतना काजल लगाया है जितना कि काजल के डब्बे पे नहीं होता है, तो काजल के फैक्ट्री में भी नहीं होगा। भर दी आँख में। हाँ, ये दो प्लेट मैगी और ताकत एक बाल्टी भी नहीं। हे भगवान, दो प्लेट नहीं भैया, तीन प्लेट खाई है ये। हाँ, तीन पैकेट खाई है ये। हाँ पैकेट खाई है ये, गुरु जी से पैकेट खाती है। हाँ लीची भरा हुआ है, उठा दो। लेकिन सब लुदुल ये दिए है, लाल लाल मतलब ये बढ़िया। एक सवाल पूछता हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम खाने के लिए खरीदते लेकिन खाते नहीं है? ढाई किलो का दिमाग लगाना पड़ेगा इसके लिए। थाली भी तो हुआ ना, थाली भी। हाँ इसका सही जवाब है थाली, मैंने बता दिया है ना। ढाई किलो का दिमाग लगा के मैंने बता दिया पहले का आंसर। और ऐसी कौन सी सब्जी जिसमें काला चावल डाला है? लौकी। सारा ले एकदम छोटे। कल जाऊंगा तो मैं क्या क्या रख लेती? कल थोड़ी ना जाऊं, कल ही तो जा रहे हैं। आज जाने वाले थे लेकिन आज रात हो गया है ना भैया। इसलिए तो, नहीं तो फिर मैं तो रोक जबरदस्ती खींच के रोक के रखता, नहीं जाता। भैया भाभी टिकट बुक करा लेता, उसके बाद भी नहीं जाता। तीन एक बार हो गया ना कैंसिल कराया हुआ। कैंसिल का वो तो आधा पैसा मिलता है लेकिन वो भी लेने नहीं जाता, इतना आलसी हूं। वो मेहनत करे इतना, कैंसिल होता उसका आधा पैसा मिलता है लेकिन मेहनत का फल ऐसे मीठा होता है लीची जैसा। इस तरह से धोए अपना चेहरा, सीख लो। हाँ, जा। छोड़ो, सुन नहीं रही है कब से। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और याद रखना अभी मस्त अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, एक दिन में दो दो वीडियो डालने वाला हूँ मैं, तो इंतजार करना वीडियो का। और मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।